तो इधर में रोनू बाबा अपने से भात उठा के खा रहे हैं, ये देखिए अपने से खा रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब कोई अच्छे से होंगे, हम लोग भी अच्छे से हैं। तो आज हम लोगों के घर में हम लोग आए हैं, तो ये देखिए मेरे सोलू जी आए हैं और इधर साला लोग भी आए हैं। तो घर में हम लोग जो कलर फलर कर रहे हैं ना, इसीलिए ये लोग आए हैं, सब कोई ये लोग हेल्प कर रहे हैं हम लोगों का। ये देखिए अमित भैया को दरवाजा में पेंट मार रहे हैं और घर का सारा सामान भी बिखरा हुआ था, इसलिए दो दिन से भी हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और अभी आज ये सब सामान इधर में घुसाए हैं, थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर करके रखे हुए, अभी तो अच्छा से नहीं सजा पाए हैं घर को, तो अभी दो दिन लगेगा सजाने में। एक पहला सोड़ू और ये हो गया दूसरा सोड़ू। हाय बोलिए। हाय, हेलो। ये लोग आए हैं, ये लोग हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जो हम लोग जो घर का जो पेंटिंग फेंटिंग काम कर रहे हैं ना, तो ये लोगों को हेल्प कर दे रहे हैं ताकि अच्छा से हम लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि हम लोग अकेले से तो नहीं कर सकते सब काम, इसलिए ये लोगों को बुलाया है, ये लोग आए हैं हम लोगों को हेल्प करने के लिए। तो आज 1 kg मटन लेके आए हैं, घर में मेहमान लोगों आए हैं, मैं साला सोलू लोगों आए हैं, वो लोगों को आज खांसी का मीट, और इधर में भात भी बैठ गया है, भात हो रहा है, अभी इसको बनाते हैं। चलिए, दिन को हम लोग खाना नहीं खाए। हाँ, दिन को भी आज खाना नहीं खाए, घर में इतना सारा काम हो रहा था। इसको अच्छा से धो ले रहे हैं मेरा वाइफ, क्या जी? हाँ जी, इसको बढ़िया से धो धा लेते हैं। तो कड़े गर्म हो गया है, अभी इसमें तेल हम लोग डाल रहे हैं, ये सरसों तेल है क्या जी? हाँ जी, हल्का दीजिए, बस 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 इतना 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 दीजिए। हाँ हाँ, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, इतना सारा हम लोग तेल ले लिए हैं कढ़ाई में, तब इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग तेज पत्ता दो ले लिए हैं, थोड़ा सा प्याज काट के रखे हैं, और यहाँ पे गरम मसाला में इलायच है, दालचीनी है, थोड़ा सा जीरा है और लवंग है, और साथ में ये क्या है जी? हाँ, बड़ा इलायची है ये, उसका टुकड़ा एक तो रखा हुआ है, और ये देखिए मैंने इसको थोड़ा चीनी मिला रहे हैं गरम तेल में, तो इसका कलर बढ़िया आएगा नहीं? हाँ जी। तो थोड़ा चीनी मिला लिया है उसमें। तो दोस्तों, अभी हम लोग तेल गरम हो गया, इसमें गरम मसाला को छोड़ दिए हैं, अभी प्याज को भी डाल दे रहे हैं इसमें, प्याज और तेज पत्ता सबको डाल दिया उसमें, अभी इसको अच्छा से फ्राई कर लेंगे गरम तेल में। तो इसमें थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर दे रहे हैं, बढ़िया कलर आएगा, मटर कलर नहीं होने से देखने में अच्छा नहीं लग रहा, खाने में भी मजा नहीं है क्या जी? हाँ जी। अभी इसको बढ़िया से हिला लेते हैं, थोड़ा सा मिला लेते हैं सबको अच्छा से। तो हम लोगों का ये खाना बन गया, चावल हम लोग बना लिए इतना सारा, ढक दिए उसको बढ़िया से, ढक दीजिए, कुछ गिरेगा नहीं। हाँ, कुछ गिरेगा नहीं। क्या गर्म लग रहा है? तो इतना सारा हम लोग अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखे हैं, और इधर में एक और टोमेटो को काट के रखा है क्या जी? हाँ जी। तो इसको मिलाएंगे अभी, इसको हम थोड़ा यहाँ पर डाल देते हैं। हाँ, उसको डाल दिए हैं अभी तेल वाले कढ़ाई में, इसका कलर अभी बढ़िया देख रहा है, देख रहे दोस्तों इसका कलर बढ़िया आ रहा है क्या जी? हाँ जी, अच्छे से। हाँ, इसको अभी अच्छा से भून लेंगे। सेंट बढ़िया आ रहा है, ये है। हाँ, तो अभी इसमें हल्दी पाउडर मिला ले रहे हैं 2 चम्मच, 3 चम्मच छोटा बड़ा चम्मच है, इसमें 3 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लिए, तो इसको अच्छा से अभी मिला लेंगे क्या जी? हाँ। तो अभी मटन को अच्छा से धो के अभी यहाँ पे उठा लिए हैं प्लेट में क्या जी? हाँ। मसाला भी अच्छा से हो रहा है ताकि चिकन अच्छा बने, थोड़ा तेल डाल दिया, सरसों का तेल, मटर में भी मिला दिए, तो इसमें टेस्ट बढ़ेगा ना। हाँ जी। तो अभी नमक मिला रहे हैं इसमें 2 चम्मच। हाँ जी, नमक मिला लिए 2 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी मिला दिए, बस बस इतना हो जाएगा, मिला ले रहे हैं मसाला को, क्योंकि कढ़ाई में तो बार बार नहीं मिलाइएगा तो लग जाएगा कढ़ाई में क्या। तो अभी मटन सबको जो तेल और हल्दी और नमक दिए हैं सबको अच्छा से मिला ले रहे हैं इसमें, बढ़िया से मिला ले रहे हैं इसमें, इसका टेस्ट बढ़ेगा, ये सब ऐसे करने से ना। हाँ।
अच्छा से नमक वमक सब मिल जाएगा मटन के अंदर में क्या? तो अभी इसमें हम लोग मटन का मसाला मिला ले रहे हैं, ये मटन मसाला एवरेस्ट कंपनी का है, तो इसको भी अभी मिला लिए इसमें, इसको डाल दिया इसमें, तो अभी मिलेगी उसको मिलेगी अच्छा से। हाँ इसको देखिए अच्छा से मिला ले रहे हैं, अभी कलर भी बढ़िया आ गया है और सेंट भी अच्छा खुशबू आ रहा है, बढ़िया सेंट आ रहा है। तो अभी मटन को उसमें मसाला में डाल लिए, मसाला अच्छा से हो गया बन गया था हम लोगों का, मटन को डाल दिया अभी उसमें, अभी इसको अच्छा से मिला लेंगे क्या जी? हाँ जी। इसको अच्छा से बढ़िया से मिला लेंगे, मिलाइए बढ़िया से मिलाइए, कढ़ाई को अच्छा से पकड़ लिए ताकि कढ़ाई गिरे नहीं, और साथ में अभी सब मिला ले रहे हैं बढ़िया से, कढ़ाई का इसलिए पकड़े हैं ताकि कढ़ाई गिरेगा नहीं क्या जी? तो गिर जाए तो मटन क्या कुछ भी नहीं खाने नसीब नहीं होगा। दिन भर तो जो भूखे थे आज, दिन भर दोस्तों हम लोग भूखे थे क्योंकि आज हम लोगों के घर में सब पेंडिंग में काम हो रहा था, इसलिए भूखा रहना पड़े, खाना बनाने का समय नहीं हुआ। तो इसको थोड़ा भी ढांक देते हैं, मिला लिए हैं ढांक देते हैं, गैस धीमा कर दीजिएगा। हाँ गैस भी धीमा कर दिए हैं, अच्छा से ये अभी पकेगा। तो अभी हम लोग बर्तन सब चाय वाला बर्तन था सब धो के आते हैं अभी, और घर का देख रहे हैं हालात कैसे है, सब सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, सब सारा सामान पूरा इधर उधर बिखरा हुआ है, बाहर में भी कुछ सामान रखा हुआ है, देख रहे हैं बाहर में सारा सामान ऐसे बिखर के रखा हुआ है। तो काम हो रहा था ना आज, तो अभी आधा उधर काम हुआ, देख रहे हैं दोस्तों आधा उधर काम हुआ है, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, पेंडिंग अभी बाकी है। तो इधर में भी सोलू थोड़ा आराम कर रहे हैं, मेरा सोलू ये सब में अच्छा से पेंडिंग हो रहा है। तो बर्तन धो के अभी आ गए, तो बर्तन को अभी रख रहे हैं अपना स्टैंड पे, बर्तन स्टैंड में क्या जी, ये सबको बढ़िया से सजा वजा के घर में रखते हैं हम लोगों। तो अभी इसको थोड़ा चेक करेंगे, थोड़ा बढ़िया से अभी दोबारा चला लेते हैं थोड़ा क्या जी, तो बढ़िया चला लेंगे तो ताकि लगे नहीं नीचे में, मतलब लेट तक पकता है ना मटन, थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों पकने में, इसीलिए थोड़ा धीमी आंच में पका रहे हैं इसको बढ़िया से। चलिए पानी पकड़ लेंगे, पानी पकड़ लेंगे, चलिए पानी पकड़ लेते हैं थोड़ा, चालू करें इसको, थोड़ा पानी चालू कर लेते हैं, ऑन हो गया। हाँ बढ़िया से धो धा लीजिए, देखिए तो पानी हो गया, अभी इसको बंद कर देते हैं, हो गया ना, आइए लेकर आइए, आ जाइए। तो लेकर आ गया पानी, पानी भरा हो गया, पानी लेकर आ गया अभी, और इधर में चारों बैठ गए ताश खेलने के लिए, टाइम पास कर रहे हैं। ये मटन रेडी हो गया है अभी बन के, और ये खाना में निकाल लिए हैं, हम लोग खाएंगे अभी इसको। इधर देखिए रोनो बाबा को अपने से खाना खा रहे हैं, चावल उठा उठा के, ये देखिए एक पीस लेते हैं खा रहे हैं। तो इधर में रोनो बाबा अपने से भात उठा के खा रहे हैं, ये देखिए अपने से खा रहे हैं। तो अभी ये सबको बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, अभी रात को 10 बज गया, हम लोग सबको खा रहे हैं, क्यों दोपहर से हम लोग कुछ नहीं खाए थे, सुबह जो नाश्ता हुआ था, मैं भी बैठूंगा खाने में। इधर से रोनू बाबा खा रहे हैं, क्या आपको क्या चाहिए? तो ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी खाना खाना खाएंगे और वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, तो इतना में रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।